ये दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2019 रेनो डस्टर की आरएक्सएस मॉडल। ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशन साइट्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो कंप्लीट इन्फो के लिए। फ्रंट प्रोफाइल आप इधर देख रहे हैं तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी है पहले से, जो क्रोम का यूसेज आप देखते हो इसके फ्रंट प्रोफाइल में। बाकी आप इसके शायद आगे के प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं तो आपको इसका फ्रंट लुक कैसा लग रहा है जो चेंज प्रोफाइल है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुली हुई है। बाकी किसी और भी कंपनी की आप किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो तो प्ले स्टोर से ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे कंपनी के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। फ्रंट प्रोफाइल आप पूरा इसका अच्छे से देख लीजिए, चलते हैं पास में और एक क्लोज़ व्यू आपको मैं दे देता हूँ पूरा अच्छे से आप फ्रंट प्रोफाइल आराम से देख सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं ये आरएक्सएस मॉडल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, नीचे कोई भी आपको फॉग लैंप्स वगैरह इधर नहीं दिए गए हैं, पूरी ब्लैक एंड फिनिश आपको प्रोवाइड करी गई है। अलग से आप चाहते हो एक्सेसरी के तौर पे तो आप लगवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो आप चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश लगने लगे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं जो क्रोम का यूसेज उसके साथ। बाकी जो आपका DRL है वो भी आपको प्रोवाइड करा गया है। ग्रिल आपको इनकी जितनी भी गाड़ियाँ सब में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलती है, तो वही कुछ आप इधर भी देखते हो डस्टर में। रेनो की ब्रांडिंग भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड दी गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, विश्वास मानिए मैं गाड़ी को सामने से देख रहा हूँ। जो लोग अभी तक शोरूम नहीं गए और डस्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर विजिट करिए अपने नियरेस्ट रेनो शोरूम। फ्रंट मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है, फ्रंट प्रोफाइल आपको अच्छे से दिख गया होगा। अब इसकी जो की है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोनों कीज़ में आपको रिमोट दिया गया है, आप देख सकते हो दो कीज़ आपको प्रोवाइड करी गई हैं। इसका जो साइड प्रोफाइल है अब वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश कर लेता हूँ कंप्लीट आपको वन फ्रेम व्यू मिल जाए। तो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं RXS मॉडल और इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो व्हील एरिया है अब वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अपोलो के आपको टायर्स दिए गए हैं, साइज़ इसका है 215/65 R16। अच्छे से आप पूरा इसका प्रीव्यू ले सकते हो। RXS की जो ब्रांडिंग है वो आपको इधर दी गई है, RXS का जो इसका मॉडल है क्रोम फिनिश का यूज़ इधर किया गया है। इसके अलावा इसके जो ORVM है वो आप चेकआउट कर लीजिए, तो बॉडी कलर पे दिए गए और नीचे आपको मिलती है ब्लैक एंड फिनिश। इंडिकेटर इंसर्ट भी आप इधर देख सकते हो जो कि आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्रॉड दिया गया है। ऊपर की जो रूफ रेल है वो आप चेकआउट कर लीजिए, तो डस्टर की ब्रांडिंग आप रूफ रेल पे भी देखते हो, काफ़ी ब्रॉड रूफ रेल्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्पोर्टी गाड़ी के तौर पे कंपनी इसको प्रमोट करती भी है, तो उसी हिसाब से पूरे इसके फिटमेंट्स दिए गए हैं। बाकी इसका जो रूफ टॉप है वो भी आप देख लो, तो इधर आपको प्लेन फिनिश देखने को मिल रही है। आपका एंटीना है वो आपको आगे की तरफ दिया गया है। डोर हैंडल सब चेकआउट कर लेते हैं, तो आपको ये अवेलेबल है बॉडी कलर पे, डिज़ाइन थोड़ी सी आपको चेंज मिलती जो आपने नॉर्मल कंट्री गाड़ियों में देखा हुआ, जो ऊपर से स्पेसेस ओपन होती हैं ऐसा कुछ भी इधर नहीं है। नीचे आप देख लेते हैं तो ब्लैक एंड फिनिश आपको प्रोवाइड करी गई है। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, तो इधर से आपको इसका जो बैक प्रोफाइल है वो भी दिखता जाएगा, साइड प्रोफाइल दिखता जाएगा। आपका फ्यूल इनटेक एरिया हो गया, स्पेसिफिकेशन आपको साइड में दिख रही होगी, कैपेसिटी आपको साइड में दिख रही होगी। चलते जाते हैं अब इसका जो पहले बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे, ये आपने देख लिया। उससे पहले जो इसका अदर साइड है, जो जनरल लैंग्वेज में आप बोलते हो को ड्राइवर साइड, वो आपको मैं प्रीव्यू दे देता हूँ। और अच्छी बात ये हुई है दोस्तों कि वाइट कलर पे ही आप न्यू मॉडल रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे और वाइट कलर ही अवेलेबल हो गया है, तो जिन लोगों ने इसके लिए पूछा था तो आप तो ज़रूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, इतना आप हम लोग के लिए कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे कोई भी लेटेस्ट गाड़ियाँ या वीडियोज़ पोस्ट होते हैं चैनल पर। आप जो इसकी बैक प्रोफाइल है वो आप देख लीजिए, कम्प्लीटली उसकी बात करेंगे तो पीछे आपका हाई स्टॉप लैंप हो गया, इधर आपका डिफॉगर हो गया, पीछे आपको वाइपर वगैरह अवेलेबल नहीं है। इधर आप देखते हो डस्टर की ब्रांडिंग, इधर भी आपको सिल्वर फिनिश पे ब्रॉड फॉर्म में दी गई है रेनॉल्ट की ब्रांडिंग। और इधर देख लेते हैं, इधर कोई आपको ब्रांडिंग नहीं दी गई, रेनॉल्ट की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे अवेलेबल है। और रेनो का लोगो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपको वैसे ही क्रोम फॉर्म में प्रोवाइड करा गया है। पीछे आपके जो सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, वो आपको अवेलेबल हैं। इसका जो टेल लैंप है वो आप चेकआउट कर लीजिए, डिज़ाइन पहले से भी अच्छी लगती रही है, इसमें ऐसा कोई इफ़ बट नहीं है, शायद आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। स्पेशली जो इसमें कलर्स यूज़ करे गए, कॉम्बिनेशन रेड के यूज़ करे गए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जो ये पार्ट दिया गया है, जो थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया इधर, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसका जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं और जो अंदर की स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो इसका मैं ओपनिंग देख लेता हूँ किधर से है, तो जिसमें मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये आपको ऐसे प्रेस करना है, मैं नीचे ढूंढ रहा था, इसको प्रेस करना है। ऊपर आप देख रहे हो तो आपका जो रियर पार्सल ट्रे है वो आपको दी गई है कस्टमर कन्वीनियंस के लिए, वो काफ़ी ब्रॉड दी गई है, इसको आप जैसे चाहते हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। बूट स्पेस तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छी सी बूट स्पेस आपको इधर देखने को मिलती है और गाड़ी में बूट स्पेस जितनी मिल जाए उतना अच्छा रहता है, आप आराम से पूरा ट्रैवल कर सकते हो अच्छा खासा लगेज लेके। बाकी आपका जो बूट लैंप है वो भी आपको प्रोवाइड करा गया है। अब इसको बंद कर देते हैं
और चलेंगे अब आगे की तरफ और इसका जो इंटीरियर है अब आपको वो दिखाएंगे। टॉप मॉडल का आपको अगर रिव्यू देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, मैंने लगा दिया है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड आप पहले देख लीजिए, बाहर से हमेशा मैं आपको पूरा प्रीव्यू दे देता हूँ। इसका जो डोर है पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो डोर पॉकेट्स हो गई, पावर विंडो कंट्रोल हो गया, विंडो लॉक हो गया, ओवरव्यू एडजस्टर हो गया, इधर आपका स्पीकर आउट हो गया, हैंडल आपको पूरा दिया गया सिल्वर फिनिश के ऊपर। सीट के एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो इधर आपका जो हाइट एडजस्ट है वो आपको जो बैक एडजस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है कि आप जो सीट है वो आप चेकआउट कर लो। थोड़ा सा मैं प्लास्टिक हटा देता हूँ, तो अपनी आप सीट देख सकते हो। इसका जो कॉम्बिनेशन है स्टिच फिनिश है काफ़ी अच्छी लग रही है, और कुशनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर डैशबोर्ड आपने बाहर से देख लिया, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर देखेंगे कि अंदर बैठने में कैसा लगता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। मैं ऑल न्यू जो रेनॉल्ट डस्टर है उसके मैं अंदर आ गया हूँ। RXS मॉडल आप देख रहे हो, तो डैशबोर्ड हमेशा की तरह आराम से अच्छे से आप पूरा देख सकते हो। कॉम्बिनेशंस का, फिटमेंट्स का पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तक आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर लेना, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी मिलेगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। साथ में आपको अगर टेस्ट ड्राइव बुक करनी है तो वो भी आप बुक कर सकते हो, घर बैठकर आपको टेस्ट ड्राइव बुक हो जाएगी। चलते हैं और इसका जो अपर पार्ट है वो आप पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो इधर आप देख लीजिए, अच्छा खासा डिजाइन के साथ तो ठीक ठाक दिया गया है, अपने कन्वीनियंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे इतना कोई सामान ऊपर आने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी डिजाइन के हिसाब से चीजें दी जाती हैं, तो ठीक ठाक स्पेस आपको अवेलेबल है मेरा, आप हाथ देख सकते हो। इधर सबसे अच्छी बात लग रही है जो पूरी ये पियानो फिनिश ऊपर तक कैरी करी गई है, जो पियानो ब्लैक फिनिश और सिल्वर इंसर्ट, अभी नीचे इसके बारे में बात कर लेंगे। काफी बढ़िया सा फील दे रही है, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी लग रही है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख लीजिए, तो इधर आपका जो आरपीएम मीटर है, आपका जो स्पीडोमीटर है, आपका जो DIS है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। क्रोम रिंग्स आप इधर देखते हो, काफी बढ़िया सा फील आता है, बहुत रिच फील आता है जब आप इसको देखते हैं। क्रोम जहां भी प्रोवाइड करा जाता है गाड़ी में, अगर ब्लैक इंटीरियर है तो थोड़ी सी और लाइवनेस आ जाती है, और वो कंपनी ने इधर प्रोवाइड कर दी है। बाकी साइड्स में देखते हैं तो क्रोम बॉर्डिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो काफी अच्छा सा फील दे रहे हैं जो मैंने आपसे शेयर किया अभी। डोर की बटन्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। इसके अलावा जो आपका AC वेंट है साइड्स में वो आप चेकआउट कर लो, ये आपको राउंडेड शेप में दिया गया है। क्रोम बॉर्डरिंग आपको प्रोवाइड करी गई है, पीछे आपको पूरा जो आपकी पियानो फिनिश है वो आपको देखने को मिल रही है, और जो सेंटर AC वेंट्स हैं वो आपको चेंज मिलते हैं, जो डिज़ाइन इसकी वो थोड़ी चेंज कर दी गई है साइड से, ऐसे आप देख सकते हो। अब इधर जो इसका बोल सकते हैं कि टॉगल्स हैं वो देख लेते हैं, तो इधर आपका जो वाइपर का जो आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है वो आपको दिया गया है। इधर आपका दोस्तों जो वाइपर का टॉगल है वो आपको अवेलेबल है। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, तो इधर अपनी जो स्टेयरिंग है वो आप देख लो, तो दो टोन में बेसिकली स्टेयरिंग मिलती है। क्रोम पे आपको जो लोगो है वो प्रोवाइड करा गया। इधर ऊपर कोई भी आपको कंट्रोल नहीं दिए गए आपके मीडिया सिस्टम के, जैसे आप देख रहे हो ये आपको दिए गए नीचे की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं आप पे वॉल्यूम वगैरह है, आपका कॉल्यूम वगैरह, वो सारे कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करे गए, जो जनरल गाड़ियों में से देखने को अलग लगता है। तो अच्छी बात है किसी गाड़ी के आप अंदर आते हो और कुछ आपको नॉर्मल गाड़ियों से देखने में अलग लगे, और वो कंपनी ने यहाँ पे करके दिया है, करके दिखाया है, जो अच्छी बात है, किसी की कॉपी नहीं करी है। जैसे आपको ऊपरी स्टेयरिंग पे कंट्रोल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ अलग देखने को मिलता है। बाकी आपके व्यूज अवेटेड रहेंगे। अब आ गए हैं मिडिल पोर्शन में, तो नीचे तक हमेशा की तरह पहले आपको पूरा नीचे तक मैं प्रीव्यू दे देता हूं मिडिल पोर्शन का। इधर आप देखते हो अपने AC वेंट्स काफ़ी हाइटेड दिए गए हैं, क्रोम बॉर्डरिंग आपको इधर साइड में भी प्रोवाइड करी गई। डिज़ाइन के बारे में मैंने आपसे बोल दिया था कि आपको साइड से डिज़ाइन चेंज्ड मिलती है, हाइटेड भी हैं तो एयर फ्लो काफ़ी बढ़िया मिलना चाहिए। पूरा आपका जो पियानो फिनिश है, सिल्वर इंसर्ट बॉर्डरिंग है, वो पूरी कैरी करी गई नीचे तक, बहुत बढ़िया सा फील दे देती है गाड़ी को। इधर अपना आप जो हेजार्ड लाइट का बटन है वो आप देख रहे हो, इधर आपका डोर लॉक अनलॉक है वो आपको प्रोवाइड करा गया, और काफ़ी ब्रॉड बटन्स यूज़ करी गई हैं। और नीचे अगर आते हैं तो आपकी जो पावर बटन है, आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके मैं पहले भी बहुत डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ, तो इतना मैं डिटेल में भी बात नहीं करने वाला हूँ। साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको सारे फीचर्स इसके पता चल जाएंगे, वीडियो फॉरवर्ड मत करिएगा। बाकी आप रेनो की प्लेस भी विजिट कर लेना, वहाँ पर मैंने इनके जो सिस्टम है उसका रिव्यू करा हुआ है। कॉमन सिस्टम इनके आते हैं सारी गाड़ियों में, वही आपको इधर भी प्रोवाइड करा गया है। बाकी दो आपकी जो वॉल्यूम बटन है और आप जो आपको प्रोवाइड करी गई वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस वो आपको दिख रही है। USB इंसर्ट आप देख रहे हो, आपकी USB में कोई डेटा वगैरह है कनेक्ट करके प्ले कर लेना, मोबाइल में कोई म्यूजिक वगैरह है तो ऑक्स केबल के थ्रू कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हो। पियानो फिनिश की मैं आपसे बात कर ही रहा था, तो पूरी नीचे तक आपको मैं नीचे तक दिखा देता हूँ। इधर AC वेंट्स में बाकी आपकी फिर डस्ट की फिनिश आ जाती है, सॉरी जो आपके AC कंट्रोल है, मैं AC वेंट्स बोल गया था। इधर आपको रोटरी नॉब फॉर्म में आपके AC कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं, क्रोम बॉर्डरिंग्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। और नीचे आप आते हैं तो इधर आपका जो कन्वेंस स्पेस है वो आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपका 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, साथ में आपका जो इको मोड का बटन है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। दो आपको दोस्तों मिलते हैं कप होल्डर्स, ये आप देख सकते हो।
और पीछे आ जाए गेयरबॉक्स की बात कर लेते हैं तो सिल्वर फिनिश के ऊपर आपको देखने को मिलता है पूरा ब्लैक फिनिश के साथ, और ये है आपका 5-speed गेयरबॉक्स मॉडल विद रिवर्स। रीच काफी बढ़िया है, आपको मेरी हाइट पता होगी दोस्तों, 6 feet मेरी हाइट है। अभी आप देख सकते हो सीट कितनी पीछे, फिर मैं आराम से गियर एक्सेस कर पा रहा हूँ, काफी कंफर्टेबल लग रहा है, और नॉब काफी ब्रॉड दी गई है तो इसको हैंडलिंग भी काफी अच्छी लग रही है। पीछे आपको मिलते हैं कन्वीनियंस स्पेसेस, और आपका जो हैंड ब्रेक है दिया गया है आपको ब्लैक एंड फिनिश के साथ। और पीछे आ जाते हैं तो इधर आपका जो कप होल्डर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। फ्रंट वाले से अगर बात करते हैं तो काफी ये अच्छा और बड़ा दिया गया, तो आपका आराम से एक बड़ा कप यहाँ पे आ जाने वाला है, जैसे कि कप होल्डर इसको बोलते हैं। चलते हैं को ड्राइवर के साइड, तो पहले आप लुक एंड फील ले लो। तो ऊपर इधर भी पूरी पियानो फिनिश कैरी करी गई है, जो है पियानो ब्लैक फिनिश। डस्टर की ब्रांडिंग आपको एम्बॉस मिलती है जो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी जो अपर वाला इसका स्टोरेज है वो आपको दिखा देते हैं, ये आप देख रहे हो, तो इसकी फिटमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पूरा फ्लैट फील आता है ये। बाकी नीचे का जो आपका ग्लव बॉक्स है वो आप चेकआउट कर लो, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है और बहुत सारा सामान आपका आराम से इधर आ जाने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर इसका जो बोल सकते हैं वैनिटी मिरर है वो चेक कर लेते हैं, तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा गया है, ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। बीच में आपकी जो केबिन लैंप है काफ़ी ब्रॉड दी गई है, आप देख सकते हो, अच्छी बात है। अब इसका जो सीट का कुशनिंग है इधर भी दिखा देता हूँ, सीट कुशनिंग मैंने आपको दिखा दी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैंने ड्राइवर साइड दिखा दी थी। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में। फ्रंट से मैंने आपसे बहुत सारी बात कर ली, पूरा आपको फ्रंट मैंने अच्छे से दिखा दिया है। थोड़ा सा मैं सिस्टम अभी ये सेट नहीं है, फिर भी मैं इसका जो डिस्प्ले है वो आपको चेकआउट करा देता हूँ, नहीं साउंड मारेगा, अभी ये सेटिंग नहीं हुई है इसमें। ये आप देख सकते हैं रेडियो है, मीडिया है, फोन है, सेटिंग्स है, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी साइड्स में शॉर्ट्स में आपको सारी डिटेल इसकी मिल गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पीछे, चेक करेंगे पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके बोल सकते हैं कि एसी वेंट वगैरह है कि नहीं है। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। इधर दोस्तों आप अपने ऑल न्यू रेनो डस्टर का जो सेकंड रो ऑफ सीट है वो देख रहे हैं, आरएक्सएस मॉडल आप देख रहे हो। आपके हेडरेस्ट नहीं, आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, सेंटर वाला शायद आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सेंटर वाला आपको आपकी सीट में ही दिया गया है। साथ में जो आपका आर्मरेस्ट है और कप होल्डर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, प्लास्टिक में हटाना नहीं चाहता हूँ। कप होल्डर आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो इसका रियर डोर है वो चेक कर लेते हैं, तो आपके डोर पॉकेट्स वगैरह इधर अवेलेबल नहीं है, स्पीकर आउट हो गया, पावर विंडो कंट्रोल हो गया वो आपको प्रोवाइड करा गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर देख लेंगे। मेरी हाइट आपको पता होगी, 6 feet मेरी हाइट है। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं नहीं पता है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, बेल आइकन प्रेस कर लो तो आपको पता चल जाएगा। हेडरूम का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको इधर जो केबिन लैंप है वो आपको प्रोवाइड करेंगे सेपरेट, ये आप देख सकते हो, जो अच्छी बात है। आगे भी आपको दिए गए, पीछे आपको दो लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। इधर पीछे कोई भी एसी वेंट नहीं दिया गया, जैसे आप देख सकते हो। सिंपल आपको जो आपका कप होल्डर जो मैंने आपको आगे से दिखा दिया था वही इधर प्रोवाइड करा गया है। थाई सपोर्ट आप चेक कर लो, आराम से मैं बैठा हुआ, और बैक सपोर्ट भी बहुत तगड़ा दिया गया है, बहुत अच्छा दिया गया है, और बैठने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके जो डोर हैंडल्स हो गए ये आप देख लीजिए। अब चलते हैं हमेशा की तरह गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, वन फ्रेम व्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप ये गाड़ी लेने वाले होंगे, ये मॉडल लेने वाले होंगे, और बहुत लोगों ने वाइट कलर के लिए पूछा भी था, तो वो तो शायद बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे इसको देखकर। अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, कुछ आपको लगता है छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक है, वो यूज़ करके आप और भी इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। साथ में टेस्ट ड्राइव यूज़ बुक करनी घर बैठ कर तो वो भी आप कर सकते हो, तो लिंक यूज़ कर लेना। कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट में पोस्ट कर देना। प्लेलिस्ट ऑप्शन हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि चेक कर लिया करिए, बहुत सारी कंपनियों की प्लेलिस्ट आपको उधर मिल जाएगी। शायद आप किसी और गाड़ी का भी रिव्यू देखना चाहते होंगे। सिस्टम के लिए मैंने आपसे बोल दिया है कि आप पहले तो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में ही सारे फीचर्स दिख गए होंगे, फिर भी आपको और डिटेल में देखना है तो अलग से ही मैंने इसके रिव्यू करे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में रेनो का जो ऑप्शन है वो चेक कर लेना, वहां पे आपको रिव्यू मिल जाएंगे, सिस्टम कॉमन रहता है। दोस्तों अब मैं वीडियो खत्म करता हूं, देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूंगा और वीडियोस आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर